In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Today we are going to discuss about a very important topic relevant to our solar system, that is our terrestrial planets or inner planets. मैंने previous दो lectures में आपको solar system का एक introduction दिया और उसके साथ ही साथ हमने sun जो है उसकी characteristics जो है वो discuss की. Now today we will discuss about the characteristics of the inner planets. You know very well that these four planets, Mercury, Venus, Earth or Mars, इन चारों planets को हम terrestrial planets या inner planets कहते हैं, क्योंकि ये planets जो हैं वो asteroid belt से inner side पे मौजूद होते हैं और asteroid belt से outer side पे जो planets होते हैं जिसमें Jupiter है, Saturn है, यूरेनस है और नेपच्यून है, उनको हम आउटर प्लैनेट्स या जॉइंट प्लैनेट्स कहते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम उन चारों को डिस्कस करेंगे. तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर प्लैनेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मर्करी. एज यू आर लुकिंग एट द डायग्राम, आप देखिए मर्करी जो है ये एक तो नियरेस्ट टू द सन है, दूसरा ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. It has no moon. Moon is basically a satellite that revolves around a planet. तो वो जो natural satellite होती है उसको हम moon कहते हैं. तो इसकी कोई भी natural satellite नहीं है. और interesting चीज ये है कि mercury के around किस किस्म का कोई atmosphere भी नहीं है. यानी mercury के इर्द गिर्द कोई gases का envelope जो है वो मौजूद नहीं है. Then it is the fastest planet. Fastest in the sense that कि इसका जो year है वो shortest year है और ये sun के चूंकि closest है, sun की जो pull है, जो attraction है इसके ऊपर बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी जो revolution period है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको fastest planet of the solar system कहते हैं. Then another important thing it is that it is the second hottest planet. That's very interesting. Okay, it is, although it is the nearest planet to the sun, in spite of that, it is not hottest. The reason is that ke iska koi atmosphere nahi hai. To jo sun ki radiations hain, wo jab iski surface se charge reflect hoke wapas jati hain, to wo trap nahi hoti, jiski wajah se iska temperature bahut zyada nahi hai. Yani ye second hottest hai, although its temperature is about 350 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ऑलमोस्ट इसके करीब इसका टेम्परेचर होता है. इसका रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है और रोटेशन पीरियड 58 डेज 15 आवर्स है, ठीक है. और इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है दैट इज 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे. मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी लेक्चर के अंदर कि अर्थ और सन का जो डिफरेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. That is equal to 149.5 million kilometer. तो इसका डिस्टेंस जो है वो सन से वो 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इसका जो डायमीटर है वो 4880 किलोमीटर है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्करी. देन वी मूव टूवर्ड्स अनदर प्लैनेट दैट इज वीनस. वीनस का नाम जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी से डिराइव किया गया है. रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी का नाम जो वीनस है वहां से इसी प्लैनेट का नाम वीनस डिराइव किया गया. और इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लैनेट इज दैट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. हालांकि ये सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है लेकिन इसको हॉटेस्ट प्लैनेट हम कहते हैं. उसकी रीजन यहां पे आप देखेंगे कि इसके एटमॉस्फेयर में 97% कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं. उन 97% कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स की वजह से यहां पे हीट ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा हीट ट्रैपिंग की वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है. इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 475 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है. इसके बाद ये सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है. इसका डायमीटर भी तकरीबन 12,107 किलोमीटर है और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर के करीब तरीन है, इसलिए इसके इसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं. इसके तीन इंपॉर्टेंट नाम जो है वो हमने जहन में रखने हैं. इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है.
इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है कि सन और मून के बाद सोलर सिस्टम का ये एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है सन से वो 0.787 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे है और इसके रोटेट करता है क्लॉकवाइज। इट्स अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीनस दैट इज दैट के जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जबकि जो वीनस है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीनस। देन वी मूव टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज इसका जो कलर है वो ब्लू है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसका मास 6×10^21 टन्स है। इसकी डेंसिटी 5.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एज ए प्लैनेट हम इसका जो टेम्परेचर लेते हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक टेम्परेचर होता है जिसको हम एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट इज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। जैसे थर्मोडायनामिक्स है उसके अंदर हम जब रूम टेम्परेचर कंसिडर कर रहे होते हैं तो उसको हम 25 कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन एज ए होल प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूं तो इस प्लैनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद इसके रेवोल्यूशन और रोटेशन पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, रेवोल्यूशन किसी भी प्लैनेट की का मतलब ये होता है कि उसका जो पूरा एक मोशन है, पूरी मूवमेंट है अराउंड द सन, और रोटेशन का मतलब है उसके अपने एक्सिस पे वो जो मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। तो अर्थ का जो रेवोल्यूशन पीरियड है एग्जैक्टली अगर हम देखें प्रिसाइसली तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकंड्स के बराबर है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है किसी भी पेपर में, ठीक है। और रोटेशन पीरियड में जिसको हम 24 आवर्स कंसिडर करते हैं, इनफैक्ट वो 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके लिए हम एक अलहदा से एक लेक्चर में आपको दूंगा जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पेरिजी और एपोजी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एपीहेलियन और पेरिहेलियन के ऊपर बात करेंगे। बहरहाल इसका एक ही मून है जो नेचुरल मून है और इसकी जो डायमीटर है वो 12,576 किलोमीटर के करीब है। इसका डायमीटर और वीनस का डायमीटर एक दूसरे के करीब है, लिहाजा इनको हम वीनस को हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। मार्स जो है ये चौथा प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में, ठीक है, इनर प्लैनेट्स में ये लास्ट है। इसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, फिर उसके बाद जुपिटर और दूसरे प्लैनेट स्टार्ट हो जाएंगे। इसको जी रेड प्लैनेट कहते हैं बिकॉज यहाँ पे ना रेड डस्ट मौजूद है, तो रेड डस्ट की प्रेजेंस की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके टू मून्स हैं जो इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, एक का नाम फूबोस है, एक का नाम डिमोस है। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस है वो सन से 1.524 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे है। इसका एवरेज टेम्परेचर -20 है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मार्स के हवाले से साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि इसके ऊपर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। और मैंने एक जगह इसके बारे में पढ़ा है कि इस पे डीपेस्ट वैलीज और लार्जेस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट वैलीज हैं। तो आप देखें कि अर्थ के ऊपर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,484 मीटर्स के बराबर है ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट, ये इसकी जो है वो एल्टीट्यूड है, हाइट है। और अगर आप K2 की हाइट देखें तो 8,611 मीटर्स के करीब है K2 की हाइट। यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट प्लेस है अर्थ के ऊपर, लेकिन जो मार्स है, मार्स में जो माउंटेन्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि उनकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 25,000 मीटर से लेकर 35,000 मीटर्स के दरमियान वेरी करती है। तो हम ये कहेंगे कि इस प्लैनेट के ऊपर जो है वो लार्जेस्ट माउंटेन्स और डीपेस्ट वैलीज हैं, ठीक है। और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो तकरीबन अर्थ से डबल है। इसको 687 डेज चाहिए पूरा कंप्लीट चक्कर करने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनर प्लैनेट्स। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट द आउटर प्लैनेट्स एंड सम अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आप लेक्चर देखें तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यू विल गेट मच मोर थिंग्स एंड नॉलेज एंड द टॉपिक्स थ्रू दिस चैनल। इस चैनल के थ्रू ना सिर्फ आप जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मटेरियल इंशाल्लाह आप देखेंगे एंड इट विल हेल्प यू लॉट
to prepare various types of examinations, including competitive examinations. Thank you very much.